विशु जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बैजू ने ही चाचा जी की जान बचाई है, हम सब जानते हैं ना। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो अपनी जान दांव पर लगा सकता है। सृष्टि रिलैक्स, इस घर में सब अपने हैं, लेकिन अगर ये हादसे घर में ही हो रहे हैं तो हमें शक तो करना पड़ेगा ना। अनुराग जी, लेकिन हम किसी पर भी, इकर का मतलब है अनुराग बाबू, आप हम पर भी शक करेंगे? अरे तुलारी दीदी, बेटा ये सच है कि विकराल बाबू हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब किसी को कुछ भी बोलने से पहले, पापा वो बाबूजी की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी की टेंशन में ना मैं और रागिनी हम लोग कुछ ध्यान नहीं है हम लोग। अनुराग बेटा, समझ नहीं आ रहा है उसका मतबली तो नहीं ना है कि घर का ही सदस्य पर तुम शक करोगे? नहीं 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 सासू मियां, हम शक नहीं करना चाहते किसी पे, हम बस सबका साथ चाहते हैं। पापा मुझे लगता है कि बाबूजी की जिम्मेदारी सिर्फ मैं और रागिनी अकेले मिलकर नहीं संभाल पाएंगे। रानी, हम तुम्हारा परेशानी समझ सकते हैं, तुम ना अपना बाबूजी का बिल्कुल ही फिक्र मत करो, है? हम सब है तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर जो है वो तुम्हारा बाबूजी का ना अच्छे से देख रेख करेंगे, चिंता मत करो। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेट्स मेक अ प्लान और सबको कोऑर्डिनेट मैं करूँगा। एक काम करते हैं कि एक एक करके बाबूजी के पास हम सब रुकेंगे। और भाभी प्लीज, आप परेशान मत होइए, आप परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हो गया सब ठीक है, अब खाना खा ले, सबको भूख लगा होगा, तुम फिक्र मत करो। और बुढ़े की तो बुढ़ापे में बहुत ऐश हो गई है, जिसे देखो इसकी सेवा भक्ति में लगा है।
चलो ठीक ही है, वैसे भी शास्त्रों में लिखा है मरने वालों की सेवा करने वालों को बहुत पुण्य मिलता है, तो कमा लो तुम सब लोग पुण्य, क्योंकि बहुत जल्दी ये बुड्ढा इससे पहले कि ये बुड्ढा अपनी जुबान खोले चुप करा दूंगा और उस दो कोड़ी के कुंडे को अपनी सृष्टि से दूर कर दूंगा। इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। बाबू जी को एक दूध दे के आओ, उसके बाद हमको कुछ खाने मिलेगा। पहले बाबू जी खाना खाएंगे तो बीजू बाबू है, बताओ इतना दूध जियान कर दिया है। छोटी बाबू तुमको चोट तो ना लगा है? नहीं हमें चोट नहीं लगी, लेकिन दीदी हमारी पूरी साड़ी हम अभी नहा के आए हैं। दीदी आप तुम्हारा तो पूरा कपड़ा एकदम में खराब हो गया है छुटकी भौजी, अब तुम एक काम करो तुम कपड़ा बदल लो। दीदी आप भी ना, मतलब सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं है, हमें फिर से नहाना पड़ेगा ये। दीदी प्लीज अब ध्यान दे देते थोड़ा सब। सारी छुटकी भौजी पीसू बाबू है ना, ये हमको इतना तंग कर दिया, हम का कहें। अब ये तुम नहा लो, कितना तक कपड़ा है तुम्हारे पास है, नहा लो। एक काम ना करते हैं पीसू बाबू, ऊपर से काम बढ़ा देते हैं। गिला अभी सफाई कौन करेगा, पूरा फिर चिल्लाएगी दुलारी है। ये दुलारी दीदी भी ना, ये तुम वैसे लेट उठे अब फिर से नहाना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे देखिए ना, देख तो रहे हैं ये हमारी पूरी साड़ी पे पूरा दूध गिरा हुआ है दीदी की वजह से, हम अभी आते हैं नहाकर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, टॉवल देना जरा। आप? तुम? अरे ये तो तेज हो गया, ध्यान से संभाल के वरना चोट लग जाएगी। आप हटिए। मैं तो बस यहाँ से। अरे हम, मैं तो बस बैठो, तुम कहां पर थे? हम कब से तुम्हें आवाजें निकाल रहे हैं और तुम तो यहीं पर बैठे हुए थे ना जब हमने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था, फिर तुम कहां चले गए थे? सडनली मैं अंदर आया तो कोई टॉवल मांग रहा था और तुम, मैंने दे दिया और हमने सोचा कि तुम हो तो हमने गलती से इन्हें खींच दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। अरे 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 अरे, हम समझ गए, गलती से गलती हो जाता है कभी कभी, इतना समझाने का क्या जरूरत है कि नहीं। मैडम जी आप पूरा भीग गई हैं, आप जाके बदल लीजिए कपड़ा वरना आपको ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है। अब मैं भी चेंज कर लेता हूं। जाइए।
भी गए। कर रहे हैं आप ही सब? अरे भाभी आप यहाँ? सुना नहीं आपने, बैजू ने मान लिया है कि उससे मिस्टेक से गलती हुआ है। अरे यार ये बाल सेट क्यों नहीं हो रहे, और आप भी आ जाती हैं बार बार डिस्टर्ब करने के लिए। हमने कहा काहे कर रहे हैं आप ही सब? क्या कहा आपने, काहे कर रहे हैं ये सब? हाँ काहे, काहे कर रहे हैं आप ही? क्या कुछ सुख मिल रहा है क्या आपको ये करके? हाँ एक तरफ हम वो इंसान देखते हैं जिससे हमारे बाबूजी का इतना फिकर है, और दूसरी तरफ हम ई इंसान देखते हैं जो इतना घटिया हरकत करता है। कुछ हो नहीं रखा है देवर जी इसमें, छोड़ दीजिए आप ही सब। पता है हमारी अम्मा जी का कहती है? क्या कहती है? हमारी अम्मा जी ई कहती है कि एक इंसान के अंदर ना देवर जी दो ही कुत्ते होते हैं। ओ। एक अच्छा और दूसरा बहुत खराब, और ये दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो आपको पता है जीत किसका होता है? उसका जिसे हम जिताना चाहते हैं। देवर जी हम जानते हैं आपके अंदर अभी भी पहले वाला बिशु है, उसे निकालिए, छोड़ दीजिए ये पागलपन, कुछ हो नहीं रखा है इसमें। आप गलत समझ रही हैं भाभी, पागल नहीं हूं मैं, सृष्टि से प्यार करता हूं, और हां हासिल करके रहूंगा मैं उसे। कुछ हो प्यार व्यार नहीं है, बकवास, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। दोनों सृष्टि और बैजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं देवर जी, उनका जो गठबंधन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो तोड़ने जाएंगे आप, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से सब कुछ निकल जाए और फिर सिर्फ रेत रह जाएगा। समझ रहे हैं? प्यार करते हैं। दीवार भी ना कितनी मजबूत है, एकदम सृष्टि और बैजू के रिश्ते की तरह। देख रही है ना, बार 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 मार के उसमें सुराख हो गया है, और ऐसे ही मारते रहेंगे ना तो एक दिन ये दीवार टूट जाएगी, और उन दोनों के रिश्ते पर भी मैं यही हथौड़ा मार रहा हूं, और एक दिन देख ही लिया आपने, बताने की तो जरूरत नहीं है। अम्मा जी को थैंक यू बोल देना, बहुत अच्छा ज्ञान दे देती है। मिस्टर बैजू अब देखो मजा।
विशु जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सृष्टि, मुझे बैजू ने सोने के लिए यहाँ कहा था। क्या बैजू ने? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? सृष्टि, मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो बैजू से पूछ लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे कैसे? बैजू, बैजू तुम बताओ सृष्टि को कि तुमने मुझे कहा था यहाँ सोने के लिए। इधर आओ। क्या कह रही है? क्या तुमने विशु जी को कहा था हमारे बेड पर सोने के लिए? हाँ। क्या क्या कहा तुमने? तुमने विशु जी को कहा था हमारे बेड पर सोने के लिए? हाँ मैडम जी, हमने बोला था। अरे विशु जी का मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि उनका जो छत है ना, उससे पानी टपक रहा है। हम कहें कि हमारे कमरे में सो जाइए, एक रात की बात है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और आपको तो बोले थे हम कि आप जाके दुलारी दीदी है या तो रागिनी भाभी के कमरे में सो जाइएगा। हमें बोला था? हमें कब बोला था? बैजू यार, तुमने बहुत गलत किया यार। तुमने सृष्टि को बताया नहीं कि मैं यहाँ सोने वाला हूँ। यार वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। विष्णु जी एक मिनट, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं ना, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। रिलैक्स सृष्टि, मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाह रहा था। अरे हम कर लेंगे ना आपस में प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज जाइए यहाँ से। ओके, आई एम लीविंग, मैं हॉल में सो जाता हूँ। एक मिनट विशु जी, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे? मैडम जी आपको हमने मैसेज किया था। मैसेज? हाँ, या आप रागिनी भाभी या दुलारी दीदी के कमरे में जाके सो जाइए। वो कहा है कि वो प्रॉब्लम में थे ना, अब प्रॉब्लम में क्या उनकी मदद नहीं करें हम? अका गलत कर दिए बोलिए तो। बैजू लेकिन कुछ भी हो, सृष्टि की नाराजगी जायज है, तुम्हें उसे बताना चाहिए था। बताए थे इनको, मैसेज किए थे। क्या कह रहे हो, कब मैसेज किया था? रुको एक मिनट, देखो कौन सा मैसेज, कहाँ है तुम्हारा मैसेज, कब किया था? मैसेज तो किए थे हम आपको, पता तो कहाँ है इसमें? बैजू तुम अपना फोन देना यार। ये देखो सृष्टि, बैजू ने तुम्हें मैसेज किया हुआ है, सेंट आइटम्स में। आई देखिए, टाइम भी देखिए, उस हम कब किए थे आपको मैसेज, देखिए। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? हम ये नहीं बोल, झूठ बोल रहे हैं हम। टाइम? अच्छा। अरे तो एक मैसेज से क्या होता है, तुम कॉल नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात है, तुम हमें कॉल नहीं कर सकते थे? एक बार नहीं, चार पांच बार फोन किए थे आपको, आप फोन नहीं उठा रही थी। हम गए थे बाबूजी का जो खाना दवाई लाने गए थे, वहां बिजी थे, वहां पे वहां से फोन पे फोन किए जा रहे थे, आप फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे मैसेज कर दे, आप नहीं पड़ी, हमको क्या पता। काहे छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? एक मिनट, क्या बोल रही हैं आप? बगल विशु जी हैं, को बुरा लगेगा क्या आप बोले जा रही हैं? तुम्हें इस बात की फिक्र है कि विशु जी को बुरा लग जाएगा? और हम क्या सोचेंगे उसका क्या? हमें जो बुरा लगा, हमें बुरा लगा या नहीं बुरा लगा, उसका क्या? काहे सोचा तुमने वो? कहा ये लगा तीर निशाने पर, अब देखो कैसे इस झगड़े की दरार दोनों के बीच दूरियां पैदा करेंगी।